सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस। मैं हूं सुरेल कुमार। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में लिंगराजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। इस मेथड का मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। उस वीडियो में मैं दो रूल्स के बारे में डिस्कस किया हूं और इसका टोटल फोर रूल्स होता है, जिसमें से रेस्ट टू रूल्स आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं पहले, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो लिंगराजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं लिंगराजेस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। आज थोड़ा सा मैं डिस्कस कर रहा हूँ उससे रिलेटेड, जो पिछले वीडियो में मैं अपलोड कर चुका हूँ उससे थोड़ा सा सिर्फ यहाँ पर इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ, और उसके बाद फिर जो रेस्ट टू मैटर रूल्स बचा हुआ है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, लिंगराजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं? सबसे पहले p into a small p plus q into a small q equal to r, इस फॉर्म में अगर कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसी को हम लोग कहते हैं लिंगराजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फर्स्ट ऑर्डर, ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो फर्स्ट ऑर्डर का है। तो ध्यान दीजिएगा, कैपिटल पी इंटू स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू इक्वल टू आर, इस फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन है जहां पर कैपिटल पी कैपिटल क्यू कैपिटल आर क्या है, ये जो तीनों है कैपिटल पी कैपिटल क्यू और कैपिटल आर, ये तीनों एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। और स्मॉल पी क्या है, स्मॉल पी डेल जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स है, एंड स्मॉल क्यू जो होता है वो डेल जेड डिवाइडेड बाय डेल वाई होता है। जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन और जेड का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसी को पी और क्यू से डिनोट करते हैं। तो इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन होगा दैट इक्वेशन इज सेड टू बी लिंगराजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले लिंगराजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। लिंगराजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है फ्रेंड्स, ये है डी एक्स डिवाइडेड बाई पी इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई क्यू इक्वल टू डी जेड डिवाइडेड बाई आर, ये लिंगराजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन कहलाता है। तो सबसे पहले इस फॉर्म में जो इक्वेशन होगा उसको लिख लेंगे, इसी फॉर्म में लिख लेंगे, उसके बाद कैपिटल पी कैपिटल क्यू कैपिटल आर आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बाद लिंगराजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। अब इस लिंगराजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का यहाँ पर फोर रूल्स है, जिसमें से टू रूल्स पहले डिस्कस किया हूं। क्या है वो टू रूल्स? फर्स्ट रूल जो है, ये दोनों तीन जो फ्रैक्शन है तीन में से कोई भी दो फ्रैक्शन को इक्वेट कर लीजिए और इक्वेट करके एक सॉल्यूशन निकाल लीजिए। सपोज कीजिए यू जो एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, ये एक सॉल्यूशन आ जाएगा। और फिर एक दूसरा सेट को, जैसे मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन को इक्वेट करने से ये सॉल्यूशन है, फर्स्ट और थर्ड को फिर इक्वेट कर लेंगे या सेकंड और थर्ड को इक्वेट कर लेंगे, उससे एक दूसरा सॉल्यूशन निकाल लेंगे। वो सपोज कर लेते हैं भी जो है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा इक्वल टू सी। तो ये दो सॉल्यूशन जब यू और भी निकल जाएगा, उसके बाद इसका जनरल सॉल्यूशन हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, एफ ऑफ यू भी इक्वल टू जीरो, ये भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग लिख सकते हैं भी इक्वल टू एफ ऑफ यू, या लिख सकते हैं यू इक्वल टू एफ ऑफ भी। ये तीनों में से कोई भी अगर लिख देते हैं तो उसको कहेंगे जनरल सॉल्यूशन इस लिंगराजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ पर एफ क्या होता है फ्रेंड्स, एफ जो होता है वो एक आर्बिट्री फंक्शन होता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो रूल वन में यही काम किए थे कि ये जो तीन फ्रैक्शन है इसमें से कोई भी दो फ्रैक्शन को इक्वेट करके एक सॉल्यूशन निकाल लिए, फिर दूसरे सेट को दूसरा ग्रुपिंग बनाते हैं और वहां से दूसरा सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, उसके बाद ये जनरल सॉल्यूशन इसमें से किसी एक को लिख करके हम लोग लिख देते हैं, एक रूल वन। रूल टू में क्या करते हैं, रूल टू में भी हम लोग वही काम करते हैं कि किसी एक
तो ग्रुप एक ग्रुप बनाते हैं, कोई भी दो को इक्वेट करके एक ग्रुप बनाते हैं और वहां से सॉल्व करके एक सॉल्यूशन निकालते हैं, और दूसरा सॉल्यूशन जो निकालते हैं वो फर्स्ट वाला का यूज करके निकालते हैं, फर्स्ट वाला का यूज कर लेते हैं और दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं, और उसके बाद फिर इसमें से कोई भी एक लिख लेते हैं तो वो जनरल सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये टू रूल्स पहले वाला वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए आज इस वीडियो में मैं थर्ड और फोर्थ रूल के बारे में डिस्कस करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग थर्ड रूल। चलिए रूल थर्ड को देखते हैं, टाइप थर्ड क्या है। टाइप थर्ड में क्या करेंगे हम लोग, बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ये तो लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ये तीन फ्रैक्शन जो है वो तीनों फ्रैक्शन इक्वल है। आप अलजेब्रा से जानते हैं कि अगर मान लीजिए x by a या x1 divided by x2 is equal to y1 divided by y2 है, तो इसमें भी हम लोग कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इसमें भी कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए p से मल्टीप्लाई कर दिए इसमें p x1, और इसमें q से मल्टीप्लाई कर दिए q y1। नीचे भी वैसे ही काम करते हैं px2 और प्लस qy2। तो ये फ्रैक्शन जो है इसी दोनों फ्रैक्शन के इक्वल होता है। तो ये एक अलजेब्रा का रूल है। न्यूमरेटर में दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में p से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, इस दोनों में q से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और न्यूमरेटर को भी ऐड कर दे रहा हूं, डिनोमिनेटर को भी ऐड कर दे रहा हूं। तो ये फ्रैक्शन इसी फ्रैक्शन में से दोनों फ्रैक्शन के इक्वल होता है। तो यही रूल यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। इसमें हम लोग p1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं p1 dx, इसमें q1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं q1 dy, इसमें r1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं r1 dz। यहां पर भी p1 से p1p, यहां पर q1 से q1 into q, यहां पर r1 से r1 into r, ये तीनों मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया है। तो ये जो न्यू फ्रैक्शन आ रहा है ये ऑल थ्री फ्रैक्शंस के इक्वल ही होंगे। तो ये रूल का ये फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पर जो p1 q1 r1 जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको मल्टीप्लायर्स कहते हैं। अब ऐसा p1 q1 r1 चूज करेंगे, वो x y z का फंक्शन हो सकता है या कोई नंबर हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो p1 q1 r1 ऐसा मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे ताकि ये जो डिनोमिनेटर है वो जीरो हो जाए, ये डिनोमिनेटर जो है वो जीरो आ जाए। अगर डिनोमिनेटर जीरो आ गया तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मान लीजिए ये दोनों इक्वल है, ये जीरो है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वैल्यू भी जीरो हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर जीरो है तो न्यूमरेटर भी जीरो हो जाएगा। तो देन वी हैव न्यूमरेटर जो है p1 dx plus q1 dy plus r1 dz बराबर इक्वल टू जीरो, ये भी जीरो आ जाएगा। अब विच कैन बी इंटीग्रेटेड, ये जो है वो इंटीग्रेट कर लेंगे, ऐसा p1 q1 r1 ऐसा चूज करना है ताकि ये इंटीग्रेबल हो जाए, और ये इंटीग्रेट कर लेंगे और वहां से एक सॉल्यूशन निकल जाएगा u equal to c1, u जो है वो x y z का फंक्शन होगा। तो क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा उसमें से हम लोग मल्टीप्लायर चूज करेंगे p1 q1 r1 अपने से, ऐसा चूज करेंगे ताकि डिनोमिनेटर में जब मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये जीरो हो जाए, और फिर जब डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है तो न्यूमरेटर भी जीरो होगा, और न्यूमरेटर जीरो आएगा तो एक इक्वेशन यहां से आ रहा है, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लेंगे और इंटीग्रेट करके एक सॉल्यूशन निकाल लेंगे। फिर दूसरा सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स चूज करेंगे, सेकंड सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स, और उसके बाद फिर वहां से भी एक और सॉल्यूशन निकालेंगे। जिस तरीके से एक सॉल्यूशन यहां से निकाले हैं p1 q1 r1 मल्टीप्लायर चूज करके, एक दूसरा p1 q1 r1 चूज करेंगे दूसरा सेट, और वहां से फिर एक दूसरा सॉल्यूशन निकाल लेंगे, वो भी इक्वल टू सी टू होगा। और ये जब दो सॉल्यूशन निकल जाएगा यू इक्वल टू सी वन और वी इक्वल टू सी टू, तो हम लोग फिर इसका जनरल सॉल्यूशन लिख लेंगे एफ ऑफ यू कॉमा वी इक्वल टू जीरो से। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ कि पी वन क्यू वन आर वन जो है उसको हम लोग मल्टीप्लायर्स करते हैं। तो इस मेथड को और क्लियर करने के लिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, उस क्वेश्चन से ये मेथड पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है।
इसको मैं नंबर वन कर दे रहा हूं। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद द इक्वेशन कैपिटल पी इंटू स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू इक्वल टू आर। इसके साथ कंपेयर करते हैं, वी हैव या वी गेट कैपिटल पी जो है उसके जगह क्या है, स्मॉल पी का जो कोएफिशिएंट है चेक कीजिए यहां पर क्या है, एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। फिर कैपिटल क्यू क्या है, स्मॉल क्यू का कोएफिशिएंट जो है वो वाई इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर राइट साइड में जो फंक्शन है जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये कैपिटल पी कैपिटल क्यू कैपिटल आर निकल गया। नाउ द ऑक्सिलरी इक्वेशन या लैग्रैन्जियन ऑक्सिलरी इक्वेशन, लैग्रैन्जियन ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ वन इज क्या फॉर्मूला होता है लैग्रैन्जियन ऑक्सिलरी इक्वेशन का, dx डिवाइडेड बाय p इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय q इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय r। यहां पर मैं तीनों पुट कर दे रहा हूं, dx डिवाइडेड बाय p, p का वैल्यू है x * y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय q, q का वैल्यू है y * z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय r, r का वैल्यू है z * x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इसको मैं नंबर 2 कर दे रहा हूं। अब अपने से मल्टीप्लाई ऐसा चूज करना है ताकि मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में और तीनों को ऐड करेंगे तो जीरो आना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या मल्टीप्लायर चूज किया जाए ताकि तीनों का जो सम है मल्टीप्लाई करने के बाद वो जीरो आ जाए। तो फिलहाल मैं यहाँ पर देखिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक्स वाई जेड मल्टीप्लायर चूज कर रहा हूँ या फिर वन बाय एक्स वन बाय वाई वन बाय जेड चूज कर ले रहा हूँ। तो वन बाय एक्स से क्या होगा, एक्स कैंसिल हो जाएगा, वन बाय वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, वन बाय जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद फिर तीनों को जब मैं ऐड करूंगा तो तीनों जीरो हो जाएगा। तो यहां पर मैं मल्टीप्लायर चूज कर रहा हूं, टेकिंग मैं वन बाय एक्स वन बाय वाई वन बाय जेड एज मल्टीप्लायर्स। देन मैं यहां लिख रहा हूं, देन ईच फ्रैक्शंस of one is equal to, देखिए इस सॉरी वन नहीं टू है, इक्वेशन नंबर टू है, इस टू का प्रत्येक फ्रैक्शन किसके इक्वल होगा जरा देखिए। मैं यहां पर मल्टीप्लाई चूज कर रहा हूं वन बाय एक्स, तो वन बाय एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए वन बाय एक्स डी एक्स। फिर वन बाय वाई से मल्टीप्लाई करना है वन बाय वाई डी वाई। और फिर लास्टली यहाँ पर 1 बाय जेड से मल्टीप्लाई करना है, ये तीन मल्टीप्लायर मैं चूज कर रहा हूँ। तो ऊपर में हम लोग मल्टीप्लाई करके 1 बाय एक्स से 1 बाय वाई से 1 बाय जेड से मल्टीप्लाई करके मैं ऐड करके लिख दिया हूँ, नीचे भी 1 बाय एक्स 1 बाय वाई 1 बाय जेड से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो 1 बाय एक्स से करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच रहा है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। फिर यहाँ 1 बाय वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच रहा है जेड स्क्वायर माइनस सिक्स स्क्वायर। और नेक्स्ट यहाँ पर जब वन बाई जेड से मल्टीप्लाई करते हैं तो जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ये भी आप देखिए वाई स्क्वायर पॉजिटिव ये नेगेटिव, माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से। तो ये कितना हो जाएगा, वन बाय एक्स डी एक्स प्लस वन बाय वाई डी वाई प्लस वन बाय जेड डी जेड। और नीचे क्या हो रहा है, नीचे जीरो आ रहा है। तो ये तीनों जो फ्रैक्शन है तीन फ्रैक्शन के इक्वल ही आएगा, ये तीन फ्रैक्शन और ये जो फ्रैक्शन आया है ये चारों फ्रैक्शन इक्वल होगा। तो मान लीजिए इसको हम लोग फर्स्ट फ्रैक्शन से इक्वेट कर देते हैं, ये फर्स्ट फ्रैक्शन जो है फर्स्ट फ्रैक्शन से इक्वेट कर देते हैं डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जीरो को उधर मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कंप्लीट जीरो हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो इसका वैल्यू जीरो होगा यानी कि यहां से हम लोग को मिलेगा देयरफॉर
1 by x dx plus 1 by y dy plus 1 by z dz equal to क्या हो गया 0। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, ये इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, तो 1 by x dx इसको भी इंटीग्रेट करते हैं, 1 by y dy इसको भी इंटीग्रेट करते हैं, और 1 by z dz इसको भी इंटीग्रेट करते हैं, 0 का इंटीग्रल तो 0 ही होगा। तो यहां 1 by x का इंटीग्रल log x, यहां 1 by y का log of y प्लस यहां पर log of z, ये मॉड भी लगा सकते हैं आप, और इधर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐड करना है तो log c1, log n प्लस log n प्लस log p का फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो यहां से लिख सकते हैं log of mod x y z equal to log c1, log हटा दीजिए तो mod भी लिखने की जरूरत नहीं, x y z equal to हो जाएगा c1। तो ये एक सॉल्यूशन आ गया, इसको हम लोग नंबर 3 डाल देते हैं। तो एक सॉल्यूशन आया जिसको आप कह सकते हैं u equal to c1 है, u की जगह ये है, u की जगह x into y into z है, तो u equal to c1 आ गया। एक हम लोग सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स चूज किए तो उससे एक सॉल्यूशन निकल गया। अब दूसरा सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स चूज करते हैं और एक दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं, तो क्या सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स होगा जरा देखिए। यहां पर हम लोग x y और z से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x y z से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करेंगे तो नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा। ये थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐड करें ताकि ये 0 आ जाए, तो ये थोड़ा सोचना है। इसको अभी फिलहाल हम लोग x y z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मैं यहां लिख रहा हूं अगेन टेकिंग x y z as multipliers, then each fractions of 2 is equal to, प्रत्येक फ्रैक्शन किसके इक्वल होगा, देखिए x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, x dx plus y dy प्लस z dz, और नीचे भी x से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर, ये अंदर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर z स्क्वायर। जब y से यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर, और फिर यहां पर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं z से तो z स्क्वायर होगा, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x स्क्वायर z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर z स्क्वायर। अब देखिए ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव में है ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है x स्क्वायर z स्क्वायर ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है ये नेगेटिव में है, तो ये कितना आ गया x dx plus y dy plus z dz डिवाइडेड बाय नीचे जो है वो 0 आ गया। तो जब डिनोमिनेटर 0 है तो न्यूमरेटर भी 0 आएगा, x dx plus y dy plus z dz कैसे 0 आएगा, अगर डिनोमिनेटर 0 तो न्यूमरेटर कैसे 0 आएगा, मैं पहले बता चुका हूं कि इसको किसी भी फ्रैक्शन से इक्वेट करके और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहां पर मल्टीप्लाई जब हम लोग ये चुक चुके हैं तो अब क्या आ रहा है, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करते हैं तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर, जब इसको इंटीग्रेट करूंगा x का तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, y का इंटीग्रेट करूंगा तो y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, z का इंटीग्रेट करूंगा तो z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और एक कांस्टेंट c2 बाय 2 ऐड कर रहा हूं, 2 से प्रत्येक में मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू c2। ये दूसरा सॉल्यूशन निकल गया, आप इसको v इक्वल टू c2 कह सकते हैं, v जो है वो x y z का एक फंक्शन है। तो यहां पर एक सॉल्यूशन निकल गया और एक सॉल्यूशन मैं यहां पर निकल रहा हूं। अब ये दोनों का यूज करके हम लोग जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं, तो फ्रॉम 3 and 4 the general solution of equation 1 is given by, कैसे लिखेंगे तरीका मैं बता चुका हूं कि f of u v equal to 0 लिखते हैं, तो यहां पर u के जगह u equal to c1, u के जगह ये है और v equal to c2, v के जगह ये है, तो यहां पर u के जगह x y z और comma v के जगह x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर
इक्वल टू जीरो, तो ये आंसर हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन निकल गया ये। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है वहाँ पर मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करते हैं और एक सेट ऑफ मल्टीप्लायर से एक सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर दूसरे सेट ऑफ मल्टीप्लायर से दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं और फिर लास्ट में हम लोग इस तरीके से उसका जनरल सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो ये हुआ रूल थर्ड में। अब हम लोग देखेंगे रूल फोर में कैसे सॉल्व करते हैं लैग्रांजियन लीनियर इक्वेशन को। टाइप फोर क्या है, चलिए इसको देखते हैं। जिस तरीके से टाइप थ्री में मैं बात कर रहा था कि मल्टीप्लायर चूज करेंगे और ये जो तीन फ्रैक्शन है उसको इसमें इक्वेट करेंगे, ये फ्रैक्शन यही तीनों फ्रैक्शन के इक्वल आएगा P1, Q1, R1 मल्टीप्लायर्स, तो पहले तो वही काम करेंगे। लेकिन इसके पहले थर्ड टाइप में हम लोग क्या कर रहे थे कि मल्टीप्लायर ऐसा चूज कर रहे थे ताकि इसमें जब मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। लेकिन टाइप फोर में वैसा नहीं करेंगे, टाइप फोर में P1, Q1, R1 ऐसा चूज करेंगे ताकि ये जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो जाएगा इसका, यानी इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशियल जो है वो न्यूमरेटर आ जाए। ऐसा चूज करके हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे P1, Q1, R1 को, ऐसा चूज करेंगे ताकि इसका डिफरेंशियल ऊपर वाला आ जाए। तो सपोज दिस न्यूमरेटर जो है, सपोज दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर P1P + Q1Q + R1R, मान लेते हैं कि इसका डिफरेंशियल ये है। तो अब क्या करेंगे, इसको किसी के साथ भी ये तीन में से किसी के साथ इक्वेट कर देंगे जो सुटेबल होगा, देन फोर्थ फ्रैक्शन कैन बी कंबाइंड विद ये सुटेबल फ्रैक्शन टू गिव एन इंटीग्रल, और इसको कंबाइन करेंगे किसी एक सुटेबल इंटीग्रल से, सुटेबल फ्रैक्शन से, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो वहां से एक सॉल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो हम लोग निकाले हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इसका तो ये है, लेकिन ये इसके साथ में कंबाइन करके इंटीग्रेट नहीं होता है। तो वैसे केस में फिर क्या करेंगे, इन सम प्रॉब्लम्स, हाउएवर इन सम प्रॉब्लम्स अनदर सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स P2, Q2, R2, R सो चोजन दैट द फ्रैक्शन दिस इज सच दैट इट्स न्यूमरेटर इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। फिर वही रिपीट करेंगे, P1, Q1, R1 एक तो चूज किए ही हैं, एक दूसरा सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स चूज करेंगे P2, Q2, R2, और ऐसा चूज करेंगे ताकि इस डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डिफरेंशियल न्यूमरेटर हो जाए। तो यहाँ भी इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल न्यूमरेटर है, यहाँ भी इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल न्यूमरेटर, ये दोनों को कंबाइंड कर देंगे और ये दोनों को कंबाइंड करके इंटीग्रेट करेंगे, वहां से फिर एक सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो मैं वही लिख रहा हूँ, एग्जैक्ट डिफरेंशियल फोर्थ फ्रैक्शन ऑफ वन। अब क्या करेंगे कि इसका जो फोर्थ फ्रैक्शन है, फोर्थ फ्रैक्शन ऑफ वन एंड टू जो है आर कंबाइंड एंड गेट वन सॉल्यूशन U = C1, और एक दूसरा सॉल्यूशन फिर इसी प्रोसेस को रिपीट करके निकाल सकते हैं, या जो टाइप थर्ड में बताया उससे निकाल सकते हैं, या टाइप वन में जो बताया उससे निकाल सकते हैं, किसी से भी एक सॉल्यूशन निकाल लेंगे और एक सॉल्यूशन यहाँ से निकल जाएगा। तो दो जब सॉल्यूशन निकल जाएगा उसके बाद फिर हम लोग जनरल सॉल्यूशन इसका लिख सकते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। इस क्वेश्चन को देखते हैं, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालना है, नंबर वन कर देते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, द एक्सिलरी लैग्रांजियन एक्सिलरी इक्वेशन, लैग्रांजियन एक्सिलरी इक्वेशन ऑफ वन इज dx डिवाइडेड बाय p होता है, तो p क्या है आप इसको देखिए, कैपिटल P इंटू स्मॉल P प्लस कैपिटल Q इंटू स्मॉल Q इक्वल टू R से कंपेयर कीजिएगा, तो कैपिटल P के जगह x² - y² - z² इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय कैपिटल Q होता है, तो कैपिटल Q के जगह है 2xy और इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय R, R के जगह है 2xz। तो ये हम लोग एक्सिलरी इक्वेशन लिख लिए। अब एक्सिलरी इक्वेशन से हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, दो सॉल्यूशन निकालना रहता है, तो जो चार रूल है उस रूल में से किसी भी रूल से एक सॉल्यूशन पहले निकाल लीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए फर्स्ट रूल से, फर्स्ट टाइप से ही निकल जाएगा, ये दोनों का आप इक्वेट कीजिएगा तो dy और dz है, y और z का यहाँ पर डिफरेंशियल है,
तो जे यहाँ पर एक्स कैंसिल हो जाएगा और टू भी कैंसिल हो जाएगा, वाई और जेड ही बचेगा, ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इसी दोनों को हम बोल देते हैं टेकिंग लास्ट टू फ्रैक्शंस, टेकिंग लास्ट टू फ्रैक्शंस वी गेट dy डिवाइडेड बाय 2xy इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय 2xz, 2x कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर बच रहा है dy डिवाइडेड बाय y इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय z, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ये आ जाएगा log y और यहां पर log z, साथ में कांस्टेंट log c1, ये इधर ले आइएगा, तो log y माइनस log z इक्वल टू log c1। अब यहां पर log n माइनस log n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो log y डिवाइडेड बाय z इक्वल टू log c1, यहां से हम लोग लिख सकते हैं log को ओमिट कर देते हैं तो y डिवाइडेड बाय z इक्वल टू c1, एक सॉल्यूशन निकल गया, इसको नंबर थर्ड डाल देते हैं। तो ये u इक्वल टू c1 एक सॉल्यूशन निकल गया। अब दूसरा सॉल्यूशन निकालना है तो सेकेंड सॉल्यूशन निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई चूज करते हैं, जो टाइप फोर में मैं बात किया हूं वही काम कर रहे हैं। तो टेकिंग एक्स वाई जेड एज मल्टीप्लायर्स, ये मल्टीप्लायर हम लोग चूज करते हैं मल्टीप्लायर्स, देन ईच फ्रैक्शंस ऑफ वन, ईच फ्रैक्शंस ऑफ टू, इक्वेशन टू है, इज इक्वल टू, प्रत्येक फ्रैक्शन क्या होगा किसके इक्वल होगा, अब इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे x dx, x dx प्लस इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y dy, और प्लस इसको z से मल्टीप्लाई करेंगे तो z dz, और नीचे भी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हम लोग, x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x cube x square y x z square, तो x cube माइनस एक्स वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स वाई स्क्वायर होगा, माइनस एक्स जेड स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स से करते हैं तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर वाई, सॉरी इसको वाई से करना है तो टू एक्स वाई स्क्वायर, और इसको जेड से करना है तो ये हो जाएगा टू एक्स जेड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये ऊपर जो करते हो लिख दीजिए एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, और नीचे आप देखिए यहाँ पर x क्यूब रहने देते हैं, माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई स्क्वायर, ये एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स जेड स्क्वायर, ये एक्स जेड स्क्वायर हो जाएगा। x को कॉमन हम लोग ले लेते हैं, x को अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बच रहा है देखिए, x कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो रहा है। अब इसको ये जो आया है इसको किसी के साथ इक्वेट कर दीजिए ये तीनों में से, तो इसके साथ इक्वेट करने से या इसके साथ इक्वेट करने से किसी में से भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर इक्वेट करते हैं थर्ड से, इक्वेटिंग दिस फ्रैक्शन विद थर्ड फ्रैक्शन ऑफ टू, तो क्या आएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी जेड डिवाइडेड बाई टू एक्स जेड के इक्वल, एक्स और एक्स को कैंसिल कर देते हैं और उसके बाद इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा, इसको टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से इधर में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz, और नीचे जो करते हो रहने दीजिए, और यहाँ पर भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करने जब इधर किए हैं तो इधर भी करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा dz डिवाइडेड बाय z। अब 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए, ताकि इसी का डिफरेंशियल ये हो जाए, देखिए x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x dx, y स्क्वायर का 2y dy, और z स्क्वायर का 2z dz, तो इसी का डिफरेंशियल ऊपर में है, तो आप इसको लिख सकते हैं इसका इंटीग्रल log x स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर, और यहां पर log z
और साथ में एक कांस्टेंट हम लोग ऐड करते हैं log c2, ये इधर ले आएंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर डिवाइडेड बाय z, और यहां पर लिखेंगे log c2। log को ओमिट कर देते हैं, log ओमिट करने के बाद क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर डिवाइडेड बाय z इक्वल टू c2, इसको नंबर 4 कर देते हैं। तो दो सॉल्यूशन निकल गया हम लोग का, एक सॉल्यूशन यहाँ पर निकाले थे और एक सॉल्यूशन यहाँ निकाले हैं, तो ये दोनों सॉल्यूशन की हेल्प से हम लोग जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो ये 3 रिपीट हो गया, ये 4 कर दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग 5 कर देते हैं। तो फ्रॉम 3 एंड 5 द जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय f of एक सॉल्यूशन लिखा है u इक्वल टू c1, u की जगह ये है तो यहाँ पर u लिखा जाता है y by z, और दूसरा सॉल्यूशन ये है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर डिवाइडेड बाय z इक्वल टू 0, तो ये आंसर हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये हुआ फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग लैग्रांजियन लीनियर इक्वेशन को, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये 4 रूल हुआ, 2 वीडियो में मैं डिस्कस किया हूँ, आप इस पिछले वाले वीडियो को भी जरूर देखिए तो ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का और भी कुछ पार्ट जो है नेक्स्ट है उसको अपलोड करूँगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you.